पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास हकीकत जानने के लिए आए इशफाक साहब। तो जो आपने सवाल हमसे पूछा रिज़ल्ट के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया है रिसेंटली, एक तो ये पहला बैच था, NEP 2020 का पहला बैच था, और इसकी एक जनरल ट्रेंड भी रही है, वेली में भी ये रिज़ल्ट बहुत कम है, यहीं पे कम नहीं है। और मेरे हिसाब से इसमें एक जो ख़ास कारण है, बच्चों की जो हाज़िरी इस दूरदराज इलाके में है तो बहुत कम हाज़िरी बच्चों की रहती है, बच्चे बहुत कम आते हैं। जो इन्हें इशफाक साहब आपने एक्शन के बारे में पूछा, तो आज तक जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता था, हमारे बच्चे जब एडमिशन फॉर्म एडमिशन कर लेते थे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके रोल नंबर जनरेट होते थे, हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन रिसेंटली हमने टेक ओवर किया है, यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ ये टेक ओवर हो गया है, बात हो गई है कि हम आप जब हम अटेंडेंस उनको दे देंगे, अपलोड करेंगे इंटरनल, तो उसके बाद उनके जो रोल नंबर स्लिप होंगी वो डाउनलोड होगी। तो हम इस साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ज़्यादा हमारे हाथ में ये नहीं था। हम कोशिश कर रहे थे, टाइम टू टाइम हम नोटिस निकालते थे कि आपके एग्ज़ाम में 70% जो यूनिवर्सिटी ने मैंडेटरी अटेंडेंस रखी है वो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ दैट बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम रहती थी। किया पेरेंट मीट तो वैसे नहीं हुई, लेकिन हमने वक्त वक्त पे बच्चों के जो वालदेन हैं उनसे भी कांटेक्ट किया। हम बच्चों को अपनी तरफ से बस सर्विस देने के लिए भी तैयार हैं, जिसके लिए बच्चे ही तैयार नहीं हैं। तो बच्चों की हाज़िरी बहुत कम रहती है, पेरेंट मीट वैसे नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो आपने ट्रांसपोर्ट बसों का सवाल पूछा, तो बेशक हमारे पास जब मैंने ज्वाइन इस कॉलेज में किया तो हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी। तो उस वक्त एक गाड़ी जो हमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से मिली हुई थी, वो तो गवर्नमेंट ने वापस डिपार्टमेंट को अपने सरेंडर डायरेक्टरेट को कर दी, और उनने अंडर प्रॉपर ऑर्डर और उनने आगे किसी कॉलेज को दे दिया। उसके बाद हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रोहित कंसल साहब, उनका ऑर्डर था एक गाड़ी जो हमें डिग्री कॉलेज चिराग शरीफ को पिछले साल फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ दी थी। तो उसके बाद हमने उनको चिट्ठी हम लिख रहे हैं कि आगे ये एक्सटेंड कर रहे हैं या हमें वापस सरेंडर कर रहे हैं। तो 2 गाड़ियां तो हमने अंडर प्रॉपर ऑर्डर यहाँ से वेली भेजी हैं, पार चली गई हैं। 2 गाड़ियां हमारे पास हैं, उनके बारे में हमने टाइम टू टाइम हम बच्चों को नोटिस निकाल रहे हैं। 26/2023 को ये नोटिस हमने निकाली थी। हमने बच्चों को कहा कि आप डिफरेंट जो रूट्स के बच्चे हैं, आप इसके लिए फ़ीस सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आप कुछ फ़ीस हमारे पास भर दीजिए और बसें हर रूट पे चलेंगी। लेकिन बच्चों का रिस्पांस बहुत पोर रहा है, बच्चे वहाँ उसमें नहीं आ रहे हैं। हमने जैसे आपने कहा कि घबरा से, हमने कहा कि अगर बच्चे को 50 और 50 100 रुपये किराया है तो हमने सब्सिडाइज्ड रेट पे 1800 रुपये पर मंथ बच्चे के लिए कहा कि आपको भरने हैं, तो आपको टू एंड फ्रो गाड़ी मिलेगी। देखिए इशफाक साहब, जो आपने डिजिटल बोर्ड की बात कही तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि इफ़ वी विल सी द रेशो ऑफ स्टूडेंट एंड डिजिटल बोर्ड, तो हम शायद सबसे आगे होंगे। बड़े बड़े कॉलेजों में इतने ज़्यादा डिजिटल बोर्ड नहीं अवेलेबल हैं जितने बच्चों के लिए होने चाहिए थे। तो हमने हमारे पास 8 डिजिटल बोर्ड जो हमारे पास हैं वो लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड। तो लेकिन इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम रहती है, आप खुद जानते हैं कि इस साल करना में, ये DC साहब के दौरे पे भी ये बात उठी थी कि इस साल करना में पावर कट बहुत ज़्यादा रहा, पावर सप्लाई नहीं रहती है, तो जिसकी वजह से हम पूरा 10 to 4 ये नहीं चला सकते हैं क्योंकि पावर कट पे हम डिपेंड नहीं करते। जब हमारे पास जो बेशक हमारे पास जेन सेट है, लेकिन इसकी एक अपनी कंजप्शन होती है और उसको हम जस्टिफाई कर भी सकने चाहिए। हम राउंड द क्लॉक क्लासेस के लिए सारा ये इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, लेकिन व्हेन नीड अराइजेस, जब ऐसा होता है, टीचर विल गिव मी ए रिक्वेशन दैट आई नीड 1 क्लास एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे चाहिए जेन सेट, तो उस वक्त हम करते भी हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रेंडर द होल ऑन जेन सेट। इनिशिएटिव हो रहा है, लेकिन पूरा जो हम जेन सेट की जो कंसेप्शन है उसके लिए हमें सोलर पैनल हमारे पास नहीं है, उसके लिए जो हमें फ्यूल है उसको हम उतना जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम पूरा ऑन मंथ बेसिस चलाएंगे सब बोर्ड, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इशफाक साहब, जो ये आपने CCTV का क्वेश्चन पूछा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर ये बात कह दूं कि हमने इस साल, मैंने आते ही हुए जिम जिम पे इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, स्पेसिफिकेशन सेट हो गई और हम कैमरा लाने के लिए हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। लेकिन इसके लिए अगर हमें रिस्पांस पुअर मिलता है या हमारे पास स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मटेरियल नहीं आता है, तो उस वक्त हम नहीं ख़रीद सकते।
हमारे पास लीज लाइन पिछले इस साल हमने लीज लाइन परचेज कर रखी है, हमारे पास लीज लाइन है इसकी एयरटेल की, तो इसमें हम जो बच्चों को फैसिलिटी दे रहे हैं हमारी बिल्डिंग में, हमारे पास राउटर की ज़रूरत है, वाईफाई की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमने आर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन मुझे मजबूरन वो आर्डर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जिसने मुझे वो राउटर भेज दिए वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं थे, और जितनी कीमत उसने बताई उस कीमत के हिसाब से वो सब स्टैंडर्ड थे, हमने वो परचेज नहीं किए हैं। हम मिस प्रपोर्शन ऑफ फंड के बजाय हम इस आर्डर को कैंसिल कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि हम अनकरीब हमारे पास अगर इस फंड में इतने पैसे आए तो हम दोबारा ये आर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, लेकिन हमारा जो कैंपस है ये पूरा इसकी वॉल बाउंड्री फेंसिंग नहीं है, तो इस हिसाब से हम आउटडोर और बच्चों को एक ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास यूनिफॉर्म है, अगेन रिपीटेडली हम उसमें आर्डर निकालते हैं कि दे शुड कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर टाइम। तो बच्चे चूंकि आप जानते हैं दूर दराज इलाकों से भी आते हैं और इस हिसाब से बच्चे कॉपरेट बहुत कम करते हैं, वी आर ऑन द इनिशिएटिव, हम जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, वी आर ऑन इट। हाँ इशफाक साहब, ये सवाल जो आपने बुक्स के बारे और लाइब्रेरी के बारे में पूछा ये अच्छा सवाल पूछा। कल ही हमारी एक वीडियो जो किसी ने वायरल यहाँ पे की थी और उसने फंडस की कुछ डिटेल दी थी, लेकिन वो रॉन्ग डिटेल थी, वो सही डिटेल फंडस की नहीं थी। हमारे पास जब भी फंडस कोई आते हैं हम टाइम टू टाइम हम परचेज करते हैं। पिछले साल चूँकि मैंने फरवरी में चार्ज लिया है तो उस वक्त फरवरी में हमारे ऊपर कैपिंग होती है और 15% कैपिंग के हिसाब से सिर्फ हम 15% खर्च कर सकते थे, जिसमें हमने 1,28,000 रुपए की बुक्स हमने लाई हैं। और दूसरी बात मैं जो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि लाइब्रेरी के हिसाब से मुझे लगता है हमारी वी हैव ए रिच लाइब्रेरी, हमारे पास अगर स्टूडेंट और बुक रेशो देखें तो दूसरे कॉलेजों से अच्छा है, हमारे पास कम स्टूडेंट हैं उस हिसाब से हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल हैं। और टाइम इस अभी भी हमने 5 लाख रुपये हमारे लाइब्रेरी फंड में हैं और हमने उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट कर रखा है, 26 तक उसकी डेट है, वी आर गोइंग टू परचेज बुक्स। है आपका जो आपने लेबॉरेटरीज के बारे पूछा, इस बारे में मैं कहूँगा कि हमारा जो कॉलेज है पूरा एक ही बिल्डिंग के अंदर समा हुआ है और इसके अंदर हम कोई भी मटेरियल अगर वो लेबॉरेटरी का हो लाइब्रेरी का हो हम उतना ही ला सकते हैं जिसके लिए रखने के लिए जगह हो। हम एक्सटेंशन करने में से कासिर हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ लैंड लिटिगेशन केस चल रहा है, तो हमारी एक ही बिल्डिंग है, फिर भी मुझे लगता है हमारे लेबॉरेटरी में किसी किस्म की मटेरियल की कोई कमी नहीं है, अगर है तो हम वो बिल्कुल उसके लिए भी परचेज करने जा रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत मुझे भी जो नज़र आई कि हमारे क्लासरूम कम हैं और हमारे क्लासरूम भी लेबॉरेटरीज में हम क्लासें भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत लेबॉरेटरी चलाने में। और एक थोड़ा जैसे मैंने पहले भी आपसे बोल दिया कि बच्चों को क्योंकि अगर बेशक ये एक पहाड़ी सिलसिला है दूर दराज इलाका है ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम है करना में, लेकिन बच्चों को भी कॉपरेट करना है, उनको कॉलेज के दाएं बाएं कहीं अकोमोडेशन लेके रहना है ताकि 10 to 4 अगर वो रहेंगे तो हम इस मामले में उनकी शिकायत दूर कर सकें। जो ये हमारा एकेडमिक अरेंजमेंट का सिलसिला है, देखिए आपको पता है कि एकेडमिक अरेंजमेंट जो हमारी सिलेक्शन होती है ये पूरे कॉलेजेस के लिए पूरे वैली में बैक टाइम होता है, एक ही वक्त होता है, तो इसके बाद काउंसलिंग होती है, जब उनकी सिलेक्शन होती है ऑन मेरिट बेसिस एंड देन फ्रॉम नोडल प्रिंसिपल उनके बाद उनकी काउंसलिंग होती है। तो आपको पता है कि काउंसलिंग में हर एक नज़दीक के लिए जाने के लिए तैयार होता है, तो डेफिनेटली हम जो हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट वाले हैं वी आर गेटिंग देम ए मंथ और हाफ ए मंथ 1.5 मंथ लेटर देन वैली, जिसकी वजह से कुछ दिक्कत मार्च के महीने में अप्रैल मिड तक रहती है, लेकिन इस वक्त हमारे पास जितने भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक एकेडमिक अरेंजमेंट टीचर्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ एक और बात भी है कि अगर कभी इनकी कहीं पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो दे विल लीव अस मिड वे, वो हमें छोड़ जाते हैं, उस वक्त हमें दोबारा रिक्वेशन भेजनी पड़ती है, तो कुछ सब्जेक्टों में एक के बाद दो बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, इस्लामिया कॉलेज है, बारामूला कॉलेज है, एंड देन वही अवर कॉलेजेस विच आर एफिलेटेड टू कश्मीर यूनिवर्सिटी, इनके लिए जो एक ही लिस्ट बनती है, लेकिन प्रेफरेंस उनको अगर नज़दीक में मिल जाए तो वो हमें छोड़ के चले जाते। जो आपने फंड्स का सवाल पूछा तो मैं लास्ट 3 साल की बात तो आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन जब से मैंने चार्ज लिया है मैं इस कॉलेज का ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मैंने मार्च के महीने में जितनी भी कैपिंग के हिसाब से हमें मिल रहा था शेयर मैंने सब की सब परचेज़ की है।
और इस साल हमें सबसे पहले बुक्स परचेज करने से भी पहले हमने यूनिवर्सिटी की इस लाइब्रेरी की ऑटोमेशन जो का मसला था वो बहुत ज़रूरी था, हम वो करने जा रहे थे लेकिन उतने फंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट को एक प्रपोजल भेज रहा हूँ और जितनी फंड हमारे पास अवेलेबल है वी आर गोइंग टू परचेज। ज़मीन का मसला मुझे पूछा, ये तो सब जूडियस है, इसमें तो वैसे ये वी आर नॉट पार्टी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें पार्टी नहीं है, तो इसमें रेवेन्यू एंड फार्मर्स और ये हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स, सिविल सोसाइटी जो है, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अगर इसमें आकर अपना हाथ बटाएंगे तो कुछ मसला हल हो सकता है, अदरवाइज़ इट इज़ अप टू रेस्पेक्टेबल बोर्ड का मसला है। वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो हमारे हाथ में है, जो भी क्लास हमें डिजिटल बोर्ड पर देनी है जिस वक्त भी पावर अवेलेबल होगा वो हम दे सकते हैं, और उसके अलावा जितने भी उसके लिए फ्यूल हैं वी आर ट्राइंग टू अरेंज, वो तो हो जाएगा। लेकिन हमें सोलर पैनल, इसके लिए सोलर पैनल होनी चाहिए थी, अगर सोलर पैनल हो जाए तो हमारा बैकअप हो जाए, क्योंकि हमें बैकअप की प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए हम एक्टिविटी बेस्ड देते हैं और हमारी परचेज कमेटी को वो जस्टिफाई करना पड़ता है कि हमने कितना फ्यूल यूज़ किया, और बेशक ये हम करते हैं। अगर हमारे पास सोलर एक पार्क सोलर पैनल का प्रपोजल हो जाता तो वो अगर हमें मिल जाता तो उससे हमारा बैकअप सारे कॉलेज के लिए बैकअप हो जाता है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन बैकअप।